हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं अंकित। तो आईपीएल का ऑक्शन जो है अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है, यानी कि कुछ घंटे बाद आईपीएल 2021 का ऑक्शन चेन्नई में शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसे खिलाड़ी है जिसपे सभी की निगाहें हैं कि कौन उन्हें खरीदेगा। उनका बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ है और किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें इस बार ही रिलीज कर दिया है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो था लगातार गिरते जा रहा था। अब ग्लेन मैक्सवेल ने खुद ये कहा है कि वो आरसीबी से खेलना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि डिविलियर्स उनकी टीम में हैं और आरसीबी के डिविलियर्स को ग्लेन मैक्सवेल जो हैं काफ़ी पसंद करते हैं। उन्होंने कहा है कि डिविलियर्स के साथ खेलना वो काफ़ी पसंद करेंगे, साथ ही साथ उनको वो काफ़ी मानते भी हैं, और अगर उनके साथ उन्हें मौका मिलता है आरसीबी से खेलने का तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल ने ये भी कहा है कि विराट कोहली की कप्तानी में उनकी बल्लेबाजी काफ़ी निखर जाएगी, उन्हें काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की है कि वो आरसीबी का हिस्सा बनना चाहते हैं, और आरसीबी ने भी इस बारी कई सारे खिलाड़ियों को जो है रिलीज़ किया था, जिसमें मोइन अली और क्रिस मॉरिस उनके ऑलराउंडर थे। ऐसे में 2 करोड़ के बेस प्राइस के तहत हम देखें तो आरसीबी जो है वो ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अगर आरसीबी में जुड़ते हैं तो उनको एक ऑलराउंडर तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ उनका मिडिल ऑर्डर भी जो है मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आरसीबी के पास अभी तक कोई भी अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं आया है। अगर हम देखें तो आरसीबी से विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के इर्द गिर्द ही हमेशा घूमती रही है। ऐसे में अगर ग्लेन मैक्सवेल को विराट कोहली की टीम यानी आरसीबी खरीद लेती है तो काफ़ी फ़ायदा होगा। आरसीबी के पास ऑक्शन के लिए अभी 35 करोड़ के लगभग अमाउंट है, और वो उसमें 3 विदेशी खिलाड़ी जो है खरीद सकती है, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल का नाम भी काफ़ी चर्चा में आ रहा है। ग्लेन मैक्सवेल खुद अब बोल चुके हैं कि वो आरसीबी से खेलना पसंद करते हैं, जबकि ग्लेन मैक्सवेल को दिल्ली कैपिटल्स भी खरीदना चाहती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की कोच जो है रिकी पॉन्टिंग ग्लेन मैक्सवेल को काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या आरसीबी के प्रति जो ग्लेन मैक्सवेल की इच्छा है कि वो आरसीबी की तरफ से खेले वो उनकी पूरी होती है या फिर नहीं, क्योंकि 18 फरवरी यानी कि कुछ घंटों बाद जो है वो आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है, उसमें ग्लेन मैक्सवेल पे काफ़ी निगाहें रहने वाली है। अब देखना होगा कि क्या आरसीबी इस ऑक्शन में ग्लेन मैक्सवेल को खरीदती है, और क्या ग्लेन मैक्सवेल का सपना आरसीबी से खेलने का पूरा होता है या नहीं। इंग्लैंड और इंडिया के अपडेट्स के लिए एन स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए, साथ ही साथ आईपीएल के ऑक्शन के लिए भी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। आईपीएल की खबरें पढ़ने के लिए आप newsnationtv.com पर भी जा सकते हैं।